उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी सीएनजी महंगी हो गई है, इस ड्राइवर को किराया उसके सरकार द्वारा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, एक कंपनियां इतना शोषण कर रही हैं ड्राइवर के साथ, उन कंपनियों के साथ कोई एक्शन नहीं लेना। जो भी एक्शन लेना है सिर्फ और सिर्फ इन ड्राइवर भाइयों के साथ लेना है। इनका गला घोट के मार दो, इनके बच्चों को आग लगा दो, इनके घर में आग लगा दो, इनकी गाड़ियों में आग लगा दो। कमर्शियल गाड़ियां चलाती क्यों? ये इतनी प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, जो ये प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, इनके पे एक्शन क्यों नहीं लेते आप लोग? प्राइवेट गाड़ी पे एक्शन क्यों नहीं लेते? ये क्या तुम्हारे बाप लगते हैं क्या? दारू फ्री दे रहे हैं, दारू फ्री दे रहे हैं, नाश कर दिया केजरीवाल जी, एक के साथ एक दारू फ्री दे रहे हो, नकली दारू दे रहे हो। बंदा जो 20 साल जिएगा वो 10 साल में मर जाएगा। आप लोग जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं, ये सरकार आपके ऊपर जब मर्जी पहाड़ तोड़ सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप संगठन में नहीं है, आपको रूल नहीं पता, आपको कुछ जानकारी नहीं है। ये भाई है वो जिनका चालान कटाया आज, बताओ क्या हुआ आपके साथ? 5 रुपये का चालान काट दिया, साइड में गाड़ी खराब हो गई थी भाई, भैया की गाड़ी खराब हो गई थी। खराब गाड़ी जब खराब हो जाएगी तो उसको अकेला आदमी तो खींच कर लेके नहीं जाएगा, वो किसी को हेल्प के लिए ढूंढने की कोशिश करेगा, और वो वहाँ खड़ी गई गाड़ी को अकेला तो धक्का नहीं मारेगा। चालान काट दिया, साइड में गाड़ी खराब हो गई थी भाई, भैया की गाड़ी खराब हो गई थी। खराब गाड़ी जब खराब हो जाएगी तो उसको अकेला आदमी तो खींच कर लेके नहीं जाएगा, वो किसी को हेल्प के लिए ढूंढने की कोशिश करेगा, और वो वहाँ खड़ी गई गाड़ी को अकेला तो धक्का नहीं मारेगा। पुलिस वालों को क्या करना चाहिए था कि खराब गाड़ी है तो उसको धक्का मारकर उसको साइड में लगवाना चाहिए था, इनको मदद करनी चाहिए थी, हेल्प करनी चाहिए, ना कि इस गरीब ड्राइवर का चालान काटना चाहिए था। चालान काटा, अगर ये गलत दिशा में खड़ा हुआ है तो इसका चालान काटना अनिवार्य है, लेकिन ये गाड़ी खराब है, गाड़ी खराब पे चालान काटने का क्या मतलब बनता पुलिस का? 5 नंबर वालों क्या मतलब बनता? इनकी आंखें बंद हो गई हैं, इनकी आंखें फूट गई हैं कि ये बंद गाड़ी खराब गाड़ी का चालान काट रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए कि एक गाड़ी की हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, ये सरकार और ये कंपनियाँ आपका ज़्यादा शोषण कर रही हैं, आप लोगों को एकता के साथ आना होगा, निकल कर आओ और कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट लाइन में ना चलें, ना ही सवारी बैठाएं और ना ही सवारी उठाएं। और इस वीडियो को सवारी ना उठाएंगे बिठाएंगे तो फिर कहाँ करेंगे मास्टर जी, बीच में कहाँ उतारेंगे? एक ऑप्शन लेके चलेंगे कि सरकार से हम अपनी गाड़ियों के लिए स्टैंड मारेंगे कि हमने कहाँ सवारी उठानी है और कहाँ से बैठानी है, वो ऑप्शन हम लेके चलेंगे, लेकिन वो जब ही हो सकता संभव जब आप लोग साथ आओगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हमारे एक एक ड्राइवर भाई के पास पहुँच सके, और लेफ्ट लाइन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इसका प्रयोग करने पे आपका चालान कट सकता है। आप कस्टमर को उठाते हैं उसको पहले फ़ोन करके बता दो कि आप मुझे लेफ्ट लाइन में नहीं कहीं स्टैंड में खड़े मिले, कहीं गाड़ी सवारी को ड्रॉप करनी है तो स्टैंड में कहीं जाकर ड्रॉप करें, ना कि बस लाइन में ड्रॉप करें। आप लोग भी सतर्क हो जाएँ, चतुर हो जाएँ, ये सरकार जब भी आप लोगों का न मानेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सुनील बड़बोल, अभी हमने थोड़ी देर पहले लाइव टेलीकास्ट चला रखा था अपने फेसबुक भारतीय चालक सेना से, ये शायद वीडियो कैलाश गहलोत तक पहुंची है और उन्होंने हमारा चैनल से वो वीडियो ही उठा दी। साथियों ये देखो सरकार कितना घबराती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय चालक।